नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपके वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग राहु और केतु का स्थान आपके घर में कहाँ होता है, कौन सा होता है। आपके घर के जो भी टॉयलेट्स, वॉशरूम एंड बाथरूम होते हैं, वहाँ पे राहु केतु का स्थान माना जाता है। और उसके अलावा आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यानी नैऋत्य दिशा है, वो भी राहु केतु का स्थान माना जाता है। अब पुराने ज़माने में टॉयलेट्स घर से बाहर हुआ करते थे, सारे लोग घर से बाहर टॉयलेट के लिए जाते थे। उसका भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रीज़न था। अभी आजकल फ्लैट सिस्टम्स के चलते सारे टॉयलेट्स घर में आ गए हैं, और जब से टॉयलेट्स घर में आए हैं, लोगों के घर में बीमारियां भी बढ़ गई है, नेगेटिविटी भी बढ़ गई है, रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और घर में झगड़े भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो आइडियली वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर में टॉयलेट्स तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन आज के डेट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब सारे टॉयलेट्स घर में आ चुके हैं, और इस वजह से टॉयलेट्स जो है, बाथरूम एंड वॉशरूम्स जो है, वो राहु केतु का स्थान माना जाता है। पूरा वॉशरूम यानी पूरा बाथरूम राहु के अंडर आता है, और जो आपकी टॉयलेट सीट होती है, जो भी आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो, इंडियन टॉयलेट हो, जो भी टॉयलेट सीट होती है, वो केतु का स्थान माना गया है। तो ऐसे राहु केतु अब आपके घर में ही रहने लग गए हैं, और इस वजह से कई बार मेजर वास्तु डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन अब करें क्या? तो ऐसे में आपको अपने टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वॉशरूम्स इतने गंदे होते हैं कि आप पैर नहीं रख सकते। एंड मेरा तो खैर ऐसा है कि मैं घर में किसी की भी एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन टॉयलेट्स की जहाँ पे बात आती है, आई रियली कांट एडजस्ट, और ये किसी ने भी नहीं करना चाहिए। एंड मैंने देखा है हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे घरों में टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं कि उसे ऐसे लगता है सालों साल क्लीन ही नहीं किया है। आइडियली आपने हर रोज़ टॉयलेट को क्लीन करना चाहिए। आप कोई भी आप लिक्विड इस्तेमाल कीजिए, आप कोई भी पाउडर इस्तेमाल कीजिए, कोई भी केमिकल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को डेली बेसिस पे क्लीन रखिए, उसे साफ़ सुथरा रखिए, हर बार टॉयलेट को फ्लश कीजिए। जहाँ पे भी अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं, वहाँ पे आपका जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है, उसकी सीट हमेशा बंद करके रखिए। जब भी आप टॉयलेट की सीट ओपन करके रखेंगे, नेगेटिविटी घर के अंदर आएगी। और जब भी आप नहाते हैं, नहाने के बाद जो भी आपका बाथरूम का एरिया है, उसे ड्राई कर लीजिए, मॉप कर लीजिए, प्लीज़ उसे गीला मत रखिए। एंड अपने वॉशरूम में कभी भी मिरर्स मत लगाइए। और आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये है कि सारे लोग टॉयलेट बाथरूम में मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल होता है लोगों से, बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एंड स्पेशली यंगर जनरेशन, वैसे बहुत सारे मिडिल एज के लोगों को भी मैंने देखा है कि बिजनेस मीटिंग्स के लिए एंड कॉल्स के लिए वो लोग टॉयलेट में फ़ोन लेकर जाते हैं, बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जब भी आप, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप टॉयलेट में अपना मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं, टॉयलेट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो ऐसे में राहु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, राहु केतु भारी हो जाएंगे आपके। ऐसा मत कीजिए। आप अपने लवर से, पार्टनर से अगर टॉयलेट में बात करेंगे, अगर बिजनेस डील्स अगर आप टॉयलेट में करेंगे, तो आपको पता है इससे क्या होगा? आपके ब्रेकअप्स हो जाएंगे अगर आप अपने पार्टनर से टॉयलेट्स में बात करेंगे। तो अगर आप बिजनेस मीटिंग्स अगर टॉयलेट से अटेंड करते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है आपको बिजनेस में कितने बड़े लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो प्लीज़ टॉयलेट बाथरूम को टॉयलेट बाथरूम की तरह ही यूज़ कीजिए। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को हंसी आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बहुत मिस कर देते हैं। और आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस इतने हो गए हैं कि लोगों को ध्यान में भी नहीं आता, लोग अवेयर भी नहीं रहते कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने वॉशरूम को वॉशरूम की तरह यूज़ कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा समय मत बिताइए। वहाँ पे फोन, मोबाइल, रेडियो, लैपटॉप, कंप्यूटर, या इनफैक्ट कुछ लोग तो टीवी भी लगा सकते हैं, आई एम डैम श्योर, ये ऐसा कुछ मत यूज़ कीजिए। टॉयलेट बाथरूम्स को उसी की तरह यूज़ कीजिए, लेकिन उसे नीट एंड टाइडी रखिए। आप भी हाइजेनिक रहिए ताकि आपका शुक्र अच्छा हो, और अपने टॉयलेट बाथरूम को भी क्लीन रखिए। वो गंदा सा येलो वाला टॉयलेट मत रखिए प्लीज़, बहुत घिन आती है। आप कैसे जा सकते हो पता नहीं, बट प्लीज़ अपने टॉयलेट्स को क्लीन रखिए, तो ये जो राहु केतु की समस्या है ना, ये ऐसी ही दूर हो जाएगी। फिर आप कार में रोते रहते हो, राहु परेशान कर रहा है, केतु परेशान कर रहा है, अब वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है, क्या करेंगे? आप खुद ही डेली टॉयलेट्स को गंदा रख रहे हो। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, एंड देखिए आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं।
अब टॉयलेट्स की और राहु केतु की बात चल ही रही है, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप अपने कुंडली के राहु ग्रह को बैलेंस करना चाहते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और अगर आप अपने राहु की नेगेटिविटी को कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, जो भी ब्लू कलर का टॉयलेट क्लीनर होता है आप उसी से अपना टॉयलेट क्लीन कीजिए। उसके अलावा आप अगर चाहे तो डेली बेसिस पे या सैटरडे इवनिंग में एक पानी में थोड़ा सा बकेट भर पानी ले लीजिए, उसमें कुछ ड्रॉप्स आप ब्लू कलर की इंक के डाल दीजिए, ठीक है, और फिर वो जो ब्लू कलर का पानी है वो टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। इस प्रकार आपकी राहु की पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब राहु केतु के वास्तु डिफेक्ट्स को कम करने के लिए आपने अपने घर के टॉयलेट में, अपने वॉशरूम में, चाहे जितने भी वॉशरूम्स हो आपके घर में, वहाँ में एक विंडो तो ज़रूर होगी या एक शेल्फ ज़रूर होगा, तो वहाँ पे आपने एक कांच के बोल में समुद्री नमक भर के रखना चाहिए और वो वीकली बेसिस पे फ्लश करके उसमें नया रिफिल कर देना चाहिए। तो इस प्रकार कांच के बर्तन में, कांच के बोल में एक समुद्री नमक भर के अपने टॉयलेट में ज़रूर रख देना चाहिए, चाहे टॉयलेट किसी भी डायरेक्शन में हो। डायरेक्शंस की बात मैं ज़रूर करूँगी कि कौन से डायरेक्शन में टॉयलेट अच्छा होता है, कौन से डायरेक्शन में बुरा होता है, वैसे बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल साइंटिफिक सॉल्यूशंस के साथ ज़रूर बताऊँगी ये चीज़। इसके ऊपर मैं मेरा अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि किसी भी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट हो, लेकिन आपको अपने घर के वॉशरूम में, अपने टॉयलेट में हमेशा कांच के बोल में समुद्री नमक भर के हमेशा रखना चाहिए। बट याद रखिए कि उसे वीकली बेसिस पे या एटलीस्ट मंथली बेसिस पे फ्लश भी करना है, ऐसा ही नहीं कि सालों साल वहाँ पे पड़ा हुआ है। प्लीज़ अपने घर को, अपने टॉयलेट को थोड़ा सा साफ सुथरा रखना सीखिए। अपने टॉयलेट में भी कहीं पर भी जाले वाले मत होने दीजिए, टाइम टू टाइम उसे भी क्लीन कीजिए, टॉयलेट के फ्लोर्स वॉश कीजिए, उसकी दीवारों को वॉश कीजिए, अगर डेली टाइम नहीं है मंथली बेसिस पे कीजिए। आजकल बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज भी है जो आपके घर में आपके आके आपके टॉयलेट को क्लीन कर सकती है, तो आप उन्हें हायर कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ किसी भी हालत में अपने टॉयलेट को नीट एंड टाइडी क्लीन ज़रूर रखिए। मोस्टली अपने वॉशरूम्स में ना आप वाइट या फिर लाइट ब्लू कलर की बकेट्स एंड मग्स का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी बकेट्स आप यूज़ करते हैं वो हमेशा पानी से भर के रखिए, उन्हें खाली मत रखिए। या तो बकेट्स को उल्टा करके रख दीजिए इन्वर्टेड हालत में, या फिर आप अगर सीधा रख रहे हैं बकेट्स को तो वो हमेशा पानी से भर के हमेशा उसे रखिए। कभी भी खाली बकेट्स अपने बाथरूम में मत रखिए। यूजुअली लाइट कलर की बकेट्स या फिर मग्स का आप इस्तेमाल कीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी रेमेडीज़ होती है, बट सारे लोगों ने ये बेसिक चीजें तो जरूर फॉलो करनी चाहिए। और आज सिर्फ टॉयलेट्स की बात नहीं हो रही है, आज राहु केतु की बात हो रही है कि उनका स्थान आपके घर में कहां पे है। तो वॉशरूम एंड टॉयलेट्स के अलावा राहु केतु का स्थान होता है आपके घर के नैऋत्य दिशा में। तो इसीलिए बोला जाता है कि आइडियली अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैवी चीजें रखते हैं, जैसे कबर्ड है, बेड है या फिर मास्टर बेड है, तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोहे की चीज़ें, हैवी ऑब्जेक्ट, सोफ़ा सेट या फिर बड़े बड़े वार्डरोब्स या फिर टेबल, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, ताकि आपका जो राहु और केतु है वो हमेशा बैलेंस रहे, हमेशा स्टेबल रहे। आइडियली ऐसा माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग कि जो मास्टर बेडरूम होती है, यानी जो हस्बैंड वाइफ की कपल की बेडरूम होती है, वो भी आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसका भी एक बहुत टेक्निकल एंड साइंटिफिक रीज़न है, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। तो साउथ वेस्ट में आइडियली होनी चाहिए मास्टर बेडरूम, मास्टर बेड, उसके अलावा हैवी ऑब्जेक्ट्स। साउथ वेस्ट में आपने येलो कलर करना चाहिए, सिट्रीन का ट्री रखना चाहिए, सिट्रीन या कोई भी येलो क्रिस्टल का ट्री रखना चाहिए, या फिर सिट्रीन क्रिस्टल जो रॉ फॉर्म में आता है, उसका क्लस्टर आता है, वो क्लस्टर भी आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। जो भी घर का मुखिया होता है, यानी जो हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर है, उसने हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए और उसका फेस हमेशा साउथ ईस्ट की तरफ आना चाहिए, तो ऐसे में भी राहु केतु उसके ऊपर हावी नहीं होंगे, ये भी एक उसका रीज़न है। तो आज के वीडियो में आप सबने देखा कि राहु केतु का स्थान आपके घर में कौन सा होता है और कौन से उपाय करके आप अपने राहु केतु को बैलेंस कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलोंग विद जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स रिकमेंडेशंस, यू ऑल कैन ईमेल मी एट ekta.khodkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।